ओम नमः शिवाय गुरुदेव आर्यम आर्यम मैं श्रुति अहमदाबाद से आपको सादर प्रणाम। मेरा कुछ चीज़ें हैं जो मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे अनुभव कैसे रहे हैं। मैं गुरुजी से लगभग अभी एक महीना ही हुआ है मिले हुए और मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और इतने अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। लाइक आज यज्ञ में आई हुई हूँ मैं, कल यज्ञ है, आज हमारा आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा था क्योंकि हमारी रिजर्वेशन ही कैंसिल हो रही थी, वेटिंग लिस्ट में 25 थी तो नहीं होना हो पा रहा था आना, और इमीडिएट हम लोगों ने दूसरी जगह पे किया ट्राई तो हमें मिल गया, राइट। और ऐसे ही हम फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरुजी से कांटेक्ट किया, वाया मैं कांटेक्ट कर रही थी तो कांटेक्ट नहीं हो रहा था, पर हुआ और मुझे गुरुदेव ने बहुत इंस्टेंटली आने के लिए भी परमिशन दे दी। और मैं कैसे रिजर्वेशन मेरे को मिल गया और कैसे मैं आ गई वहाँ पे मुझे आज तक नहीं पता, पर बहुत बहुत ईजीली मिल गई। आने के बाद मिलने के बाद जो गुरुदेव ने गुरु माने, मतलब उनका वॉर्म बहुत बहुत फील आज भी फील करा रहा है, एकदम अपनापन जैसा लग रहा है। एक मंथ में या इंस्टेंट आप आते हो तब कभी ऐसा फील नहीं होता। मैं काफ़ी सारी जगहों पे गई हुई हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मिली हुई जिसका बहुत बड़ा बड़ा नाम है, पर मतलब यज्ञ आप सोच नहीं सकते, उसमें ये सोना चांदी सब डाल के वो 10-10 हज़ार लोगों का यज्ञ करते हैं, पर कभी उनकी नज़र कोई उनके दरवाजे पे आया है, नॉक करता है, तो वो कभी उनको एंटरटेन नहीं करते। मेरा आज का अनुभव बोल रही हूँ, अभी तक मेरा इतना जुड़ाव नहीं हो पा रहा था गुरुदेव से, थी बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, पर आज मुझे और मेरे हस्बैंड को जो फीलिंग आई है ना, वो मैं आपको बोल नहीं सकती, मेरी भावनाओं को नहीं बता सकती, पर मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग निकले और हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ से सब निकल गए और मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे अकेले खड़े थे और हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि यार अब हम कहाँ से जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मन मन में खाली इतना बोला, गुरुदेव पता नहीं है कहाँ आ गई हूँ, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, कोई हेल्प के लिए सोचा होगा पर क्या पता, वो गुरुदेव निकले, सब साथ में निकल गए, किसी ने पूछा नहीं, सबको जा के पूछा। इतने में एक रिक्शा आई, रिक्शा में गुरुदेव के ही भक्त आए थे, उनके साथ अभी नीचे उतर ही रही थी और मन में ऐसा हो रहा था यार गुरुदेव को मिलने आई हूँ, कहाँ रुकूँगी, क्या करूँगी, और उतने में ही हर्षो का फ़ोन आ गया और हर्षो ने मेरे को बोल दिया कि आप कहीं मत जाओ, अगर रूम की व्यवस्था नहीं हुई है तो यहाँ हमारे बाजू में एक रूम है। और मैं और मेरे हस्बैंड इतने खुश हो गए और उसने बोला कि ये देख गुरुदेव ने तेरी बात सुन ली। फिर जो हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अभी भी चल रहे हैं, पर उसमें जो मतलब मैं डिप्रेशन में थी, मैं टैबलेट्स ले रही थी, फर्स्ट टाइम जब मैं मिली तो गुरुदेव ने बोला आज से टैबलेट्स बंद, तब से लेके आज तक कभी भी नहीं ली, ज़रूरत भी फील नहीं हुई। हाँ नींद नहीं आती, ऐसा कभी कभी हो जाता है, गुरुदेव के फ़ोटो लगा के रखा है वो देख लेती हूँ, थोड़ी देर में सो जाती हूँ, बट बहुत अच्छा अनुभव है। स्टेप वन चालू हुआ है, अब विश्वास आ गया है कि 100% आगे जाऊँगी। थैंक यू गुरुदेव।